सो हे गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बेड स्विच वायरिंग करने वाला हूँ, ठीक है। यानी कि देखिए दोस्तों, अगर आप चाह रहे हैं कि जो इधर का वायर है, इस वायर से करंट आना ये साइड से, और बल्ब यहाँ पे रहना चाहे गली में हो कहीं पे हो, और जो है हम यहाँ से डायरेक्ट इस बटन से चालू और बंद कर सकते हैं इस वाले बल्ब को, ठीक है। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। यानी कि देखिए दोस्तों, ये साइड से जो है ना हर वक्त लाइट आते रहेगा, ठीक है। लेकिन और ये जो है बल्ब भी जलते रहेगा हर टाइम, लेकिन अगर देखिए हम यहाँ पे ये स्विच लगा देंगे तो जो है डायरेक्ट हम यहाँ से इसको बंद और चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, एक वायर को कट कर लेना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखिए, मैंने आपके सामने में एक वायर को कट कर लिया है। इसमें देखिए जो है दो वायर है, तो जो है आपको कोई सा भी एक वायर बीच से कट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कट करने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से ये दोनों को छील लेना है थोड़ा सा। तो चलिए मैं यहाँ पे मैं छील लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने दोनों वायर को यहाँ पे थोड़ा सा छील लिया है, ठीक है। और देखिए दोस्त, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले बटन को यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। और देखिए दोस्त, अगर आप लंबा वायर करना चाहते हैं, यानी कि देखिए अगर ये बल्ब जो है बहुत ऊंचे में है, ठीक है, और अगर आप सोच रहे हैं कि बटन बहुत नीचे तक रहना, तो जो है आप यहाँ पे जो है कोई सा भी वायर जोड़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि इन दोनों में वायर को जोड़ देंगे, और जो है फिर जिस वायर को आप जोड़ेंगे तो उस वायर का किनारा जो है इस वाले स्विच में डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं जोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं इसी में डायरेक्ट बटन लगाने वाला हूँ, ठीक है। यानी कि देखिए दोस्त, यहाँ जहाँ पे मैं बल्ब लगाने वाला हूँ ना, वो नज़दीक है, और अगर मैं यहाँ पे लंबा वायर लगाऊंगा तो बहुत नीचे वायर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि बच्चे जो है बार बार बंद चालू करते रहेंगे, इसलिए मैं इसको ऊपर ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले इसको जो है खोल लेना है। यहाँ पे देखिए, मैं इसको खोल लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने दोनों को खोल लिया। उसके बाद मैं आपको सिंपली क्या करना है, इसके अंदर भी वो नट है, यहाँ से भी आपको नट खोल लेना है। तो यहाँ से मैं नट खोल लेता हूँ, ठीक है, कि मैंने नट को थोड़ा सा ढीला कर दिया है। ढीला करने के बाद में अब जो है आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इसको इसके अंदर डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों वायर को जल्दी से यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। वायर को लगा के नट को टाइट करके जो है आप इसको यहाँ से सेट कर देंगे, और जो है ये वाला नट फिट कर देंगे। तो चलिए मैं जल्दी से फिट कर देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने बटन को लगा दिया है, और देखिए ये साइड से जो है हर वक्त लाइट आती रहेगी, ठीक है, और यहाँ पे बल्ब जलते रहेगा। तो इस बल्ब को जो है हम यहाँ से बंद और चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक बार बल्ब जला के दिखा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मैं बटन सेट करके जलाने के लिए जा रहा था बल्ब, लेकिन पता चला कि यहाँ से मेरा एक ये वायर निकल गया है, यानी कि ये टूट गया है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दूसरा होल्डर मैंने ले आया है नवा, तो इसको मैं अभी जोड़ के जल्दी से मैं आपको बल्ब जला के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसा कि देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे दूसरा होल्डर भी लगा लिया है, और यहाँ पे मैं आपके सामने में बल्ब को लगा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो बल्ब, जल्दी से लग जाओ यार। हाँ देखिए, बल्ब भी लग गया है। अब देखिए, मैं आपके सामने में इस वाले बटन को दबाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्त, इस तरह से ये मैं इसको नीचे रख देता हूँ, और देखिए यहाँ पे, वाओ, देख सकते हैं दोस्त, अब जो है यहाँ से डायरेक्ट बल्ब बंद और चालू हो रहा है। और ये देखिए, ये जो मेन तार है ना, ये मेन तार, इसमें हमेशा करंट रहता है, ठीक है। हम जो है बल्ब को ऐसे चालू बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप स्विच को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। अब हम आपसे मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में।